Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to talk about chapter number 14 of class 12, that is ecosystem. So here we are going to discuss this chapter with the help of handwritten notes. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So first of all, we are going to discuss the term ecosystem. सो इकोसिस्टम किसी भी नेचर की फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि मेन यूनिट है किसी भी नेचर के वर्क करने के लिए ना. बट इकोसिस्टम है क्या? सो इट इज़ द इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज द इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट. यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, ये भी इंक्लूड है. और इसके साथ साथ वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, एयर, इन सारी चीज़ों के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, इन दोनों को मिला के बोला जाता है इकोसिस्टम. नाउ ये जो इकोसिस्टम है ये दो तरीके का हो सकता है. इट कुड बी अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और इट कुड बी अ एक्वाटिक इकोसिस्टम. बेसिकली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होता है जो ज़मीन पे ऑपरेट करता है. एग्जाम्पल इज ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट. ये सारे के सारे ज़मीन पे वर्क करने वाले, ज़मीन पे ऑपरेट होने वाले इकोसिस्टम हैं. वहीं अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो ये वो इकोसिस्टम होते हैं जो पानी के अंदर ऑपरेट करते हैं. वाटर है, एक्वा मीन्स वाटर. एग्जाम्पल इज पॉन्ड, वेटलैंड, रिवर और एस्टुअरीज. ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के. नाउ इकोसिस्टम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. इट कुड बी अ नेचुरल इकोसिस्टम और इट कुड बी आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम. बेसिकली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होता है जो सेल्फ सस्टेनेबल होता है, यानी कि वो खुद ब खुद सर्वाइव कर सकता है, उसे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या ह्यूमन इंटरेक्शन के रिक्वायरमेंट नहीं है जो खुद ब खुद सर्वाइव कर सके. नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर डीकम्पोजर्स प्रेजेंट है, यानी कि सेप्ट्रोफाइट प्रेजेंट है यहाँ पे. और नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल है हमारे पास फॉरेस्ट, पॉन्ड एक्सेट्रास. वहीं अगर मैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करूँ तो ये ऐसा इकोसिस्टम होता है जिससे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा यहाँ पे तो वो जो इकोसिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा. अगर मैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे डीकम्पोजर्स एब्सेंट होते हैं, सेप्रोफाइट्स नहीं पाए जाते हैं. इसका कॉमन एग्जांपल है क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम एक्सेट्रास. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स वेरियस स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस. किसी भी अगर इकोसिस्टम के मैं मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे इंटरैक्शन होगा बायोटिक और अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स का. जैसे कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, वेयर इज ऑल द फिजिकल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल एयर, टेम्परेचर, सॉइल एक्सेट्रास आर ऑल इंक्लूडेड इन द अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स. तो बायोटिक और अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स के इंटरेक्शन ही मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी इकोसिस्टम की. नाउ द टर्म इज स्ट्रैटिफिकेशन. बेसिकली इट इज़ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स. कि बेसिकली एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग स्पीशीज़ का जो कि अलग अलग लेवल को ऑक्यूपाई कर रही हैं. इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. फॉर एग्जाम्पल जो टॉप वर्टिकल स्ट्रैटा या जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें आते हैं हमारे ट्रीज. जो सेकेंड वर्टिकल स्ट्रैटा या फिर लेयर होता है उसमें आते हैं शर्ब्स, जिनकी हाइट ट्रीज से थोड़ी सी कम होती है. और एट लास्ट आते हैं हमारे पास बॉटम लेवल वाले, जिसका एग्जांपल है हर्ब्स या फिर ग्रासेस. सो बेसिकली दिस इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. नाउ व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. सो बेसिकली देर आर द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी, द सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन, द थर्ड वन इज एनर्जी फ्लो एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रिएंट साइकिल. ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं. इन चारों कंपोनेंट्स के बिना हमारा जो इकोसिस्टम है वो फंक्शन नहीं कर सकता, इट कुड नॉट सर्वाइव. अब इन्हीं चारों कंपोनेंट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज पॉन्ड का. पॉन्ड बेसिकली एक नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है जो कि खुद सस्टेन कर सकता है. अब इस इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन सी बायोटिक, कौन कौन सी अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको देखते हैं. अगर मैं पॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ पे अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा? वाटर प्रेजेंट है, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक प्लस अनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, सोलर इनपुट यानी कि सनलाइट आ रही है और साथ में टेम्परेचर भी है. ये सारे के सारे चीज़ें हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी फिजिकल फैक्टर्स. वहीं अगर मैं यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करूँ तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस पॉन्ड में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर. नाउ इनमें से कौन से ऑटोट्रॉप हैं, कौन से कंज्यूमर्स हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं.
तो ऑटोट्रॉप्स जैसे कि हम लोग जानते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसके एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन्स। बेसिकली प्लैंक्टन टर्म्स उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होता है जो कि वाटर करंट्स के साथ फ्लो करते हैं, यानी ऐसे प्लांट हैं छोटे छोटे जो कि वाटर करंट्स के साथ मूव करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी और जो सबमर्ज प्लांट हैं, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं ऑटोट्रॉप्स के पॉन्ड में। वहीं अगर मैं वहाँ पे कंज्यूमर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आएंगे ज़ू प्लैंक्टन्स। बेसिकली कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड कौन कर रहा है इस इकोसिस्टम में, ज़ू प्लैंक्टन्स। देन यहाँ पे डीकम्पोजर्स, तो डीकम्पोजर्स क्या क्या होंगे, फंगी है, बैक्टीरिया है और कुछ फ्लैजलेट्स हैं जो कि बेसिकली एज अ डीकम्पोजर्स या फिर सैप्रोफाइट्स यहाँ पे काम करेंगे। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस चल कैसा रहा है, तो सबसे पहले जितना भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा यूजिंग सनलाइट, यानी कि सिंपल भाषा में फोटोसिंथेसिस की मदद से ऑटोट्रॉप्स क्या करेंगे, अपना खाना खुद बना लेंगे। ऑटोट्रॉप्स के ऊपर फीड करेंगे हमारे कंज्यूमर्स यानी कि हेटरोट्रॉप्स। जब ये मर जाएंगे तो इनको डीकम्पोज कौन करेगा, डीकम्पोजर्स या सैप्रोफाइट्स, जिनकी वजह से ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन फिर मिनरल्स को वापस कौन यूज़ करेगा, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ये कंप्लीट साइकिल है जो कि ऑपरेट कर रही है, जिसकी वजह से जो एक इकोसिस्टम है वो कम्प्लीटली फंक्शन बने रह रहा है। तो ये हमारा बेसिक कॉम्पोनेंट था इकोसिस्टम का। नाउ हम वो जो चार कॉम्पोनेंट्स हमने पढ़े उनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। सो बेसिकली प्रोडक्टिविटी इज़ ऑफ टू टाइप, इट कुड बी अ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इट कुड बी अ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज प्रोडक्टिविटी, यानी कि कितने अमाउंट का बायोमास प्रोडक्शन हुआ है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर गिवन टाइम ड्यूरेशन में प्लांट के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी सीधी भाषा में प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे कितने अमाउंट का बायोमास बनाया है उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है, तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग वेट की टर्म में या फिर इसको हम एनर्जी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द प्रोडक्टिविटी, यानी कि वो जो बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है बाय द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस उसका रेट कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, दिस इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करें तो फिर से यहाँ पे या तो ये वेट की टर्म में एक्सप्रेस हो सकती है या फिर ये एनर्जी की टर्म में भी एक्सप्रेस हो सकती है। नाउ दिस प्रोडक्टिविटी यानी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इट कुड बी ऑफ टू टाइप, इट कैन बी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इट कैन बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होती है कि जो टोटल बायोमास प्रोडक्शन हुआ है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की मदद से उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी जो टोटल प्रोडक्शन है दैट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से प्लांट ने कितना यूज़ कर लिया है वो बायोमास प्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और उसके यूज़ करने के बाद जो हमारे पास फाइनल अमाउंट बचा है दैट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी सीधी भाषा में प्लांट ने जितना भी टोटल बायोमास प्रोडक्शन बनाया दैट इज़ GPP यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन उसमें से प्लांट खुद भी तो यूज़ करेगा, तो जो प्लांट खुद यूज़ कर रहा है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो उस हम लोग GPP में से अगर हम लोग रेस्पिरेशन को घटा दें यानी प्लांट ने जितना भी यूज़ किया अगर उसको रिमूव कर दें तो उसके बाद जितना भी बायोमास बचा है उसे हम क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है यही अवेलेबल बायोमास होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए उसके कंजप्शन के लिए। नाउ दैट देर इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मटीरियल बाय द कंज्यूमर्स इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि कंज्यूमर्स ने जो नया ऑर्गेनिक मैटर बनाया है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, यानी कितनी स्पीड से जो कंज्यूमर्स हैं वो नया ऑर्गेनिक मटीरियल बना पा रहे हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, सो बेसिकली देयर आर थ्री मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच कुड अफेक्ट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द फर्स्ट वन इज़ प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया।
यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी अलग अलग तरीके की प्लांट की स्पीशीज़ वहाँ पे रह रही हैं, किस तरीके के प्लांट वहाँ पे पाए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे भी डिटरमाइन होगा कि वहाँ पे की जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी है। दूसरी चीज़ है द अवेलेबल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, कि उस एरिया के अंदर सॉइल में किस तरीके के न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ वो जो प्लांट पाए जा रहे हैं उनके फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी कितनी है, कितनी एबिलिटी है उनके फोटोसिंथेसिस करने की, ये भी जो है वो अफेक्ट करेगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। और तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर, कि वहाँ पे जो एनवायरमेंट की कंडीशंस हैं वो किस तरीके की हैं। तो बेसिकली ये तीन फैक्टर्स मिलके डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी एरिया की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। जो हमारे पूरी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फेयर की वो अराउंड 170 बिलियन टन है, जो कि हम ड्राई वेट में मेजर कर रहे हैं इसे। इसमें से जो ओशन है वो अकाउंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन टन्स, और बाकी का जो टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीनी एरिया रह गया वो टोटल का कंट्रीब्यूट करता है 115 बिलियन टन, यानी 115 बिलियन टन जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फीयर की वो आती है टेरेस्ट्रियल एरिया से, वहीं जो 55 बिलियन टन्स है वो आती है ओशन से। नाउ इज़ डीकम्पोजिशन, द सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इज़ डीकम्पोजिशन, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा है। नॉर्मली ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर ये 5 नंबर में नहीं आ रहा है तो 2 या 3 नंबर में भी इजीली इसके पॉइंट पूछे जा सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन, बेसिकली इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक द CO2, H2 एंड द न्यूट्रिएंट्स बाय द डीकम्पोजर्स इज कॉल्ड एज अ डीकम्पोजिशन। यानी जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उसका ब्रेकडाउन कराना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल CO2, H2O है, न्यूट्रिएंट है, डीकम्पोजर्स के थ्रू इसे बोला जाता है डीकम्पोजिशन। यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका ब्रेकडाउन होगा और उससे क्या चीज़ बनने वाली है, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है सिंपल फॉर्म वाले उनकी फॉर्मेशन होगी। नाउ जो हम पहली टर्म यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज़ डेट्रिटस, इट इज़ बेसिकली द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द डीकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज अ डेट्रिटस। किस डीकम्पोजिशन के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल है जो हम यूज़ करेंगे, यानी कौन सी चीज़ है जो ब्रेकडाउन होने वाली है इस डीकम्पोजिशन में, उस सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डेट्रिटस। अब डेट्रिटस क्या क्या हो सकते हैं, किन किन चीज़ों का डीकम्पोजिशन होगा, तो इसका एग्जाम्पल है लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेनिंग्स ऑफ द एनिमल्स लाइक द फीकल मैटर। अब अगर एक बार का बोर्ड का क्वेश्चन था कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ अबव ग्राउंड डेट्रिटस एज वेल एज द बिलो ग्राउंड डेट्रिटस, तो अगर हम अबव ग्राउंड डेट्रिटस की बात करें तो एग्जांपल क्या हो सकता है, लीव्स हो सकती हैं, फ्लावर हो सकती हैं, बार्क हो सकती हैं। वहीं अगर हम बिलो ग्राउंड डेट्रिटस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रूट्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डेट्रिवोरस, तो बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द डेट्रिटस आर नोन एज डेट्रिवोरस, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेट्रिटस को तोड़ेंगे सिंपल फॉर्म में उन्हें हम क्या बोलेंगे, डेट्रिवोरस। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म या डीकम्पोजर्स जिसे हम बोलते हैं, यानी जो चीज़ें टूटने वाली हैं डीकम्पोजिशन में उन्हें बोलते हैं डेट्रिटस, और जो ऑर्गेनिज्म उन्हें तोड़ने वाले हैं उन्हें क्या बोला जाता है, डेट्रिवोरस। डेट्रिवोरस के एग्जाम्पल है फंगी, बैक्टीरिया, अर्थवर्म एक्सेट्राज। नाउ व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ द और द स्टेजेस ऑफ द डीकम्पोजिशन, सो बेसिकली देर आर 5 स्टेजेस। The first one is fragmentation, the second one is leaching, the third one is catabolism, the fourth one is humification and the last one is mineralization. In 5 sequential steps की मदद से जो detritus है यानी जो complex organic material है वो simple inorganic form में breakdown होगा। The first step is fragmentation. Here the breakdown of the detritus into the smaller particles takes place. नाम से ही पता चलता है fragments का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, तो यहाँ पे जितने भी डेट्रिटस हैं यानी जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन हो जाएगा, इस स्टेप को हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। द सेकेंड स्टेप इज लीचिंग, बाय दिस प्रोसेस द वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजॉन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज द अनअवेलेबल सॉल्ट। यानी जो सेकेंड स्टेप है लीचिंग, इसके अंदर जितना भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बना है फ्रेगमेंटेशन के मदद से वो सॉइल हॉरिजोन के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। द थर्ड स्टेप इज कैटाबॉलिज्म, द बैक्टीरियल एंड द फंगल एंजाइम्स डिग्रेड द डेट्रिटस इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस।
यानी कि यहाँ ये वो स्टेप है जहाँ पे एंजाइम्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कि हमारे जो डेट्रिवोरस हैं उनके अंदर जो अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट हैं चीज़ों को ब्रेक डाउन कराने के लिए, वो एंजाइम्स जितने भी डेट्रिटस हैं उसको ब्रेक डाउन करने लगेंगे और उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की फॉर्म में तोड़ देंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा स्टेप था जहाँ पे जो अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा हुआ था, तो उसका आंसर होगा लीचिंग। वहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा स्टेप में एंजाइमल एक्टिविटी होती है डिकम्पोजिशन में, तो उसका आंसर होगा कैटाबॉलिज्म। नाउ द फोर्थ स्टेप इज ह्यूमिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन, कि ह्यूमस बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन। नाउ व्हाट इज़ अ ह्यूमस, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक नंबर या दो नंबर में। सो ह्यूमस का मतलब होता है अक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फोसिस सब्सटेंस। अमॉर्फोसिस का मतलब होता है अनडिफ्रेंशिएटेड सब्सटेंस, यानी कि जिसके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, क्लस्टर ऑफ मास यहाँ पे प्रेजेंट है। अक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होना, तो यहाँ पे डार्क कलर का जो अनडिफ्रेंशिएटेड सब्सटेंस है वो इकट्ठा हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। बेसिकली ह्यूमस हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है। नाउ देर आर सम पॉइंट्स अबाउट ह्यूमस। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो इसका ब्रेक डाउन करते हैं वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर माइक्रोबियल एक्शन कम हो रहा है तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन की रेट भी क्या होगी, स्लो होने वाली है। इसके साथ साथ इट इज़ कोलॉइडल इन नेचर, जिसकी वजह से ये एक्ट करता है एज अ रिजर्वॉयर फॉर न्यूट्रिएंट। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। ह्यूमस कोलॉइडल नेचर की होती है, दैट्स वाई रिजर्वॉयर फॉर न्यूट्रिएंट के जैसे काम करती है। चूँकि माइक्रोबियल एक्शन से काफ़ी रेजिस्टेंट है तो इसीलिए यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होती है वो भी काफ़ी स्लो रेट पे होती है। नाउ द लास्ट स्टेप इज मिनरलाइजेशन। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आकर बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, यानी कि इस स्टेप के अंदर जो ह्यूमस है वो आगे डिग्रेड होगी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, और ह्यूमस के टूटने की वजह से वहाँ पे जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन। यानी कि जो मिनरलाइजेशन है ये फाइनल स्टेप है जिसके अंदर अल्टीमेटली जितना भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट था वो सारा का सारा यहाँ पे रिलीज आउट हो जाएगा हमारे सॉइल के अंदर। अब जो डिकम्पोजिशन है ये एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट के पेपर में भी ये पूछा गया है। नाउ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करेंगी। सो बेसिकली देर आर टू मेन फैक्टर्स विच कुड अफेक्ट इट। द वेरी फर्स्ट वन इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस, कि वो जो डेट्रिटस हमने यूज़ किया है, रॉ मटेरियल जो यूज़ किया है वो कौन से टाइप के केमिकल से बने हुए हैं। वहीं जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ क्लाइमेटिक फैक्टर, कि वहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ पे सॉइल के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट। अगर वहाँ का टेम्परेचर वार्म और मॉइस्ट है तो ये डिकम्पोजिशन को फेवर करेगा, यानी कि अगर वार्म और मॉइस्ट कंडीशन वहाँ पे मिलेंगी तो डिकम्पोजिशन की रेट ज़्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लाइमेटिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में दो चीज़ें हैं, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है सॉइल मॉइस्चर। टेम्परेचर अगर वार्म एंड मॉइस्ट है तो डिकम्पोजिशन की रेट ज़्यादा होगी, वहीं पे अगर टेम्परेचर कम है और अनएरोबिक कंडीशन है तो उसकी वजह से डिकम्पोजिशन की रेट स्लो होगी। अगर आपको याद हो तो अभी एक सेकेंड पहले हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि जो डिकम्पोजिशन है वो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे एरोबिक कंडीशंस जो होंगी वो डिकम्पोजिशन को फेवर करेंगी, वहीं पे अगर अनएरोबिक कंडीशंस होंगी और कम टेम्परेचर होगा तो उसकी वजह से डिकम्पोजिशन की रेट भी कम होगी। इसके अलावा हमने बात करी थी केमिकल कॉम्पोजिशन की, कि केमिकल कॉम्पोजिशन भी अफेक्ट करती है, तो बस उसी केमिकल कॉम्पोजिशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर डेट्रिटस के अंदर लिगनिन और काइटिन का अमाउंट ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन की रेट भी क्या होगी, स्लो। वहीं पे अगर उस डेट्रिटस के अंदर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का कंटेंट ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में डिकम्पोजिशन की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। So that's all for today. If you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel. Also, you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.